बलाड मालवानी में नीतीश राणे ने फिर से उगला जहर। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे लगातार मलाड हो मीरा रोड हो, इन दिनों लगातार सुर्खियों में है रामनवमी के दिन किस प्रकार से मलाड में एक सांप्रदायिकता फैली थी और उसके बाद में वहां से जमील मर्चेंट को पुलिस ने उसके ऊपर केस किया और उसके बाद में जमील मर्चेंट ने पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट गए। हालांकि अब जमील मर्चेंट इसके लिए चर्चा में आए हुए हैं क्योंकि दो दिन पहले नीतीश राणे ने मलाड में एक यात्रा की और एक जनसभा लिया जिसमें नीतीश राणे ने साफ तौर पे जमील मर्चेंट के खिलाफ अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया और सलमान मुफ्ती अजारी के खिलाफ भी ऐसे कई शब्द इस्तेमाल किए जैसे कि वहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन पे एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि मलाड एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र बन गया है, वहाँ पर ऐसे नेताओं की एंट्री पूरी तरह से बंद करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा जब तीर जा रहे थे और वारिस पठान वहाँ जा रहे थे तो उन्हें वहीं रोक दिया जाता है। हालांकि ये इन हाउस नेता है फिर भी उन्हें वहाँ पर रोक दिया जाता है ताकि सांप्रदायिकता ना फैले। ऐसे में नीतीश राणे जो जगह जगह पे जाकर जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका वहाँ जाकर इस तरीके का सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर मुंबई कमिश्नर विवेक पंसालकर, स्पेशल कमिश्नर देवेन भारती और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के सत्यनारायण चौधरी सर किस लिए खामोश है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि पुलिस की खामोशी और लाचारी साफ तौर पे नजर आ रही है कि नीतीश राणे के ऊपर जिस तरीके से वो बोलते हैं सागर बंगले से उनका हाथ है, यानी देवेन फडणवीस डीसीएम, जो महाराष्ट्र के डीसीएम है देवेन फडणवीस, उनका हाथ है। इसके चलते हुए इस राज्य में कुछ भी कर सकते हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ऐसा अगर रहा तो इस महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ते देर नहीं लगेगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। अब देखना यह रहेगा कि पुलिस प्रशासन और इस राज्य के गृह मंत्री देवेन फडणवीस किस प्रकार से नीतीश राणे पर लगाम लगाते हैं और उन्हें इस तरीके के विवादित बयान से रोकते हैं। आपल्याला आज गेलो आपण बघा नाक्यावर टिचून मिरवणूक काढली, माहित नाही काय त्या लोकांना, त्या मर्चंट भडवायला माहित नाही, आम्ही लोक आलो इथे सगळं माहिती आहे, पण बिळात लपलं असेल आज, चार चौथ्या किंवा पाचव्या बायकोला सांगत असेल आज बोट डर लागलाय भाई, आज बाहेर निकलूंगा तो वापिस आने का चान्स बहुत कम आहे। म्हणून अशा धाक 365 दिवस हिंदूंनी इथे ठेवला पाहिजे, लक्षात ठेवा। ठेवणार की नाही त्यांचा अली आणि आमचा कोण, दाखवणार का नाही ताकद आपले? परत परत तुम्हाला इथे नितेश राणेची गरज पडता कामा नाही, तुम्ही तुमच्या हिमतीने उभे राहिले पाहिजे, समाज बनवून तुम्ही ताकद दाखवा। आज बघा तुम्ही सगळ्यांचा घुसमट होत होती, आज आम्ही सगळेजण तुमच्यासाठी इथे आलो आहे। हा फक्त मोर्चा नाही आहे, हा एक संदेश आहे की इकडचा हिंदू बांधव एकटा नाही आहे। इकडचा हिंदू बांधवाने एकदा आठवण केली तर महाराष्ट्रातला हिंदू समाज तुमच्या मागे उभा करेन एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो। तुम्ही फक्त इकडची हिम्मत दाखवा, आम्हालाही बघायचंय प्रशासन तुमच्या केवढ्या वाकड्यामध्ये जातात आणि इकडचे कोण काय करू शकत नाही हो। हे साहेब बीब हे असलेले साहेब बीब म्हणणारे ना असतील आपल्या घरात, इथे कोण ऐकत नाही, ते बांगल्यावर लिहिणे पुरते आहेत, बाकी कोण बाहेर निघणार नाही, बघून घेऊ आम्ही कोणाला काय। म्हणून ह्या पुढे जाता जाता आपल्याला एवढंच सांगे, मला मी फार अपेक्षेने तुमच्याकडे इथे आलेलो आहे, तुम्ही हिम्मत दाखवावी। जसे आमच्या या राऊत ताई सातत्याने हिंदू समाजाचे वेगवेगळे मुद्दे घेऊन लढतायत, या एक जसे लढतायत तसे आपण 100 अगर तयार झालो ना तर कोणाची हिम्मत आपल्याकडे वाकड्या नजरेने होणार नाही, बघायची होणार नाही। त्यांचे बघा, त्यांच्याकडे कोणाही वाकड्या नजरेने पाहून फक्त हिम्मत दाखवा। अर्ध्या मिनिटात 100 लोक बाहेर येतात की नाही आणि आपल्या लोकांना फोन करायला लागते, येतोस का? नाही रे, जरा गर्लफ्रेंडला घेऊन बाहेर गेलो आहे, ही आपली उत्तर। बघा तिथे त्या घाटकोपरमध्ये
त्यांचा कोणतरी मुफ्ती नावाचा हा कोणतरी आलेला भडवा त्यांचा, काय बोलला तो घाटकोपर मध्ये चेतावणी देऊन गेला आपल्या लोकांना, बोला के तुम्हारा वक्त आहे आम्हाला दौर आया आएगा, गेला बरोबर जेल मध्ये। तुम्हाला काय वाटतंय तो भडवा जमीन मर्चंट तुला वाचवायला येणार? मलाही बघून दे, थांब रे जरा, त्याचा उगाच कशाला बाप आठवण, त्याच्या किती बाप आहे त्याला माहित नाही। एक ते ह्यांचे काढतात 10-10, 15-15। कॅमेरा पर्सन नरेश भानुशाली के जैन से मुंबई टीवी।